es en Chennai, Delhi, Gurgaon, Singapore, now in Pune. Okay, so there's a journey, like थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करता। आई स्टार्टेड माय करियर इन 1996 टिल 2011 आई वाज इनटू द कॉर्पोरेट जर्नी। आई वाज लास्ट डीजे विद वीडियोकॉन टेलीकॉम। पोस्ट वीडियोकॉन टेलीकॉम मी एंड माय वाइफ डिसाइडेड अपॉन कि लेट्स डू समथिंग इन एजुकेशन बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर रनिंग आउट एंड ऑफ सो इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू सो लेट्स डू समथिंग व्हिच वी कैन ड्राइव इट टुगेदर। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट दिस आफ्टर दैट पार्ट वी रियलाइज की वॉट शुड बी आर एरिया जहां पर कि हम इसको काम करके इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्रॉस ऑल एक्टिविटीज। सो वॉट वी रियलाइज इन माई 11-12 ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट जर्नी ईच एंड एवरी टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रमोशन और ट्रांसफर इन माई प्रोसेस। तो वहां पर मैंने ऑब्जर्व करा कि उस बीच में जब मेरा फैमिली शिफ्ट होता था बेटा बेटी जो स्कूल में जाते थे अपने अलग अलग इनपुट्स मिलते थे। सम प्लेसेज इट इज लाइक चिल्ड्रन आर ऑसम देयर सो मैनर्ड। फिर हम धीरे धीरे शिफ्ट होते थे कभी दिल्ली में कभी लखनऊ कभी नोएडा कभी इंदौर फिर मेरठ भी गए। सो हर जगह जो ह्यूमन एलिमेंट था वो एक अलग चीज बताता था आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे बहुत बेकार हैं आपके बच्चे बहुत नॉटी हैं बहुत इल मैनर्ड हैं बहुत पोलाइट हैं ऐसे करके अलग अलग फीडबैक्स आते थे। आई सेड कि ये तो अभी क्लास सेकेंड से क्लास सिक्स के बीच का इनका जर्नी है इन 4-5 सालों के अंदर इस इनपुट में क्या फर्क पड़ेगा। बट वो उसको टैग करते थे उसके अप्रोचेस चेंज करते थे एंड दे एक क्लास सेकेंड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक रेड पेन का क्या वैल्यू है। वो टीचर वो रेड पेन यूज करता है गोले बनाता है 10 में से 2 देता है बड़े बड़े क्रॉस लगाता है वो सब कुछ होता है इस बच्चे के साथ में। जब उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो पेरेंट्स जब पहुंचते हैं तो उनको ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि सारा शनि मंगल जो है उस बच्चे के लिए ही बना था और कोई चीज थी नहीं कि जो उस बच्चे के अंदर क्वालिटी इनपुट के तौर पर बात करें। सो वी रियलाइज कि हमारे को सबसे पहले इस ह्यूमन एलिमेंट को टच करना चाहिए। द एंटायर ह्यूमन एलिमेंट हमने जब उसको टच करा था हमारे पास 3 मेजर एरियाज थे क्रिएटर। तो ये 3 जो एस्पेक्ट थे मतलब पूरी दुनिया में 3 ही एलिमेंट्स हैं मतलब किसी भी बिजनेस डोमेन को अगर आप लेकर चलो उसमें भी ये 3 ही चीजें आएंगी कहीं भी इन 3 के अलावा कुछ नहीं था। सो ये हमारा यूनिवर्सल सेक्शन था जो हमने इसमें ऑब्जर्व करा। इस यूनिवर्सल सेक्शन के अंदर हमने देखा जो टीचर्स जिस मैकेनिज्म से पढ़ाते हैं जिसको हम रोट लर्निंग कहते हैं जिसमें कि हम नॉर्मल कन्वेंशन प्रोसेस जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं बोर्ड पे लिख रहे हैं आपको नोट्स कर रहे हैं वो सारा वो रोट लर्निंग का प्रोसेस है। रोट लर्निंग इज सक्सेसफुल इन कंट्रीज लाइक कोरिया और वहां पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है केवल रोट लर्निंग वेयर एज अदर कंट्रीज लाइक यूएस सिंगापुर ये लोग सारे के सारे डिजिटल फॉर्मेट्स अलग अलग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऐसे करके अलग अलग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थ्योरीज फिलोसफीज उसके साथ में काम करते हैं। बट अगर मैं यूनिवर्सल टीचर्स को लेकर चलूं आर यू अवेयर इन टर्म्स ऑफ हमारे पास कितने स्कूल्स हैं देश में टोटल नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स वी हैव इन स्कूल्स। 2 मिनट और लेता हूँ आपके स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं। हमारे देश की आबादी कितनी है कितना इट इज 125 crores। सो हमारे पास 125 करोड़ हम लोग कितने बच्चे हर साल पैदा करते हैं हम नहीं करते वी आर गोइंग ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर इट इज अप्रोक्सीमेटली 2%। सो 125 करोड़ का हो गया 2,50,00,000 2.5 crore we produce every year. How many 12th pass we produce every year? Any wild guess? 1 crore. We produce around 12 lakhs. How many schools we have? As many post offices. I don't know the number of post offices. We have in totality 14 lakh schools. हमारे 14 लाख स्कूल 12 लाख बारहवीं पास नहीं करते। So and we commit ourselves as a country with approximately 65% of literacy. So there is a wide variation in the definition of being literate. Tamil Nadu is having Tamil Nadu
Kerala, they are having 95-97% of literacy. Maharashtra is some 80-85% of literacy. UP aur kam hai, Bihar aur kam hai. Aise karke pura desh bhar ka number aata hai. Mere paas 14 lakh school hai, 7 lakh private sector hai, 7 lakh government sector hai. In 7 lakh ke andar average 6 teachers per school ke taur pe hum log kaam karte hain. साचिंग 42 लाख टीचर्स हैं हमारे पास, लेकिन 42 लाख टीचर्स मिलकर भी हर साल 42 लाख 12वीं पास नहीं दे पा रहे। उसका रीजन क्या है? हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन एवरेज ₹1000 पर मंथ की डोमेन की। हमारा देश का पर कैपिटा इनकम कितना है? हमारे देश का पर कैपिटा इनकम 75 रुपीज पर डे पर पर्सन है, which can be somewhat like 100 rupees. 75 से 100 रुपए पर डे के बीच है. So it's not possible कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो पढ़ा नहीं सकता. But क्या हमें इन बच्चों के पढ़े लिखे होने की जरूरत है? नहीं है. आइए सर, इधर आ जाइए आप. ठीक है ठीक है. कैप्चर होगा ना तेरे यहाँ. हेडफोन ज़्यादा अच्छा लगेगा. So in totality, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं आज, हमने यहाँ पर एक पूरा सेंटर बनाया, सेंटर के अंदर 100 तरीके के काम हुए, कोई पेंट कर गया, कोई टीवी लगाने वाला आ गया, कोई इंटीरियर्स कर रहा है, ऐसे करके 100 तरीके के काम है. अगर हमारे पास क्वालिटी स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी विद एथिकल वैल्यूज, आया 3 सामान और यहाँ के गायब हो गए, सो हमारा प्रोडक्टिविटी कहाँ जाएगा? फिर हम बाजार में खाना खाते हैं कितना, मतलब दिल्ली मुंबई पुणे तो उससे बड़ा पाव पे चलता है, और बड़ा पाव मैंने 2 बार खाया, इतनी सीवियर एसिडिटी हो गई मेरे को, अजब ही पड़ा जाएगा. सो रियलाइज की अगर हमारा मोरालिटी ड्रिवन एजुकेशन नहीं होगा तो हम किस लेवल पर जाएंगे? सो इन द ईयर 1985 वर्ल्ड वाइड अक्रॉस ऑल इकोनॉमीज डिसाइडेड दैट दे विल रिप्लेस मॉरल साइंस विद कंप्यूटर साइंस. टुडे हैज अ नेट इंपैक्ट 1985 टू 2000 टू 2017. टुडे वी आर लिविंग विद अ जनरेशन whose parents even don't know what morality is. Iski wajah se hamare paas itne sari problems aa gaye. Pehle ye sari problems nahi the, jo hamare biggest crimes today committed by the real professionals. Aur bas jitni bhi latest inventions hain, those are happening in the fields of antibiotics, virus, computer virus. Isme koi limit nahi ho rahi. Spamming, koi limit nahi ho rahi. Roz ke roz naye naye level pe ho rahe. There are countries which are based their economies on that. So what we realize ki agar humne is holistic अप्रोच को खत्म होने दिया तो हमारा नेक्स्ट लेवल सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होगा. अब एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये 3 डोमेन्स को ध्यान में रखा. सो हमने सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करा, हमारे पास एक महंगा स्कूल है, हमारे पास एक सस्ता सरकारी स्कूल है, उन दोनों के बीच में हम क्या चीज देखते हैं. महंगे स्कूल के अंदर वी सी अ स्मार्ट क्लास which is a gadget of around 3 lakh rupees value. Computer driven है, window based, पूरा का पूरा process है. उसको चलाने के लिए आपको एक genset चाहिए होता है. वो genset भी रोज 100-200 रुपए का diesel खाता है. So economies of scale में अगर हम fee structure का movement लेकर चलें तो उतना fee structure का base. सरकारी school तो free होता है. जो private school हैं, जो गरीब बच्चों वाले हैं, वो 300 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाते हैं. So उस पूरे domain में वहां पर वो क्वालिटी सर्विस ऑफर करना पॉसिबल. सो इन दैट केस हम लोगों ने स्मार्ट क्लास का एक्टिविटी को डिजाइन कर रहे थे, प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे थे, उसके हमने पेटेंट भी फाइल करा. तो हमने क्या करा, इस एलईडी टीवी के अंदर एक मोबाइल फोन का एंड्रॉइड सर्किट बोर्ड लगाया और उसके साथ एक हार्ड डिस्क लगाई, उस हार्ड डिस्क के अंदर सारा कॉन्टेंट कन्फिगर कर दिया. उस कॉन्टेंट कन्फिगर करने की वजह से अब ये टीवी जो है वो हर जगह लग सकता. अब टीवी की प्राइस पिछले 5 साल के अंदर बहुत ड्रास्टिकली डाउन. आज 50 इंच का एलईडी टीवी जो है फुल एचडी is costing around 35,000 rupees. Rather, not even 30-32 की रेंज में स्नैपडील या इस पे कहीं भी आता. मेरा जो किट हम लोगों ने डिजाइन किया दैट वाज अराउंड 18-20,000 की रेंज का वो किट है हमारा, जो हम उसके साथ डाल कर देते हैं, विच वी लाइक एमआरपी उसकी हम डिफाइन करते हैं 35,000. वो 35,000 के तौर पर वो And the second part of the journey which we minimize is in terms of creating a mobile app, creating portal, creating the entire content on virtual domain so that
कुछ क्लाउड स्पेस पे चला जाएगा, क्लाउड की स्पेस पर वो जाएगा तो हमारे को किसी भी व्यक्ति को कोई भी हम प्राइस पॉइंट पे एक्सेस दे सकते हैं। सो प्लान की एक बच्चा जो प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक का पढ़ाई करता है या आगे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करना चाहता है वो किस प्राइस पॉइंट पे काम करे। सो वी डिसाइडेड कि अगर हम 75 रुपए पर डे की बात कर रहे हैं सो कैन वी डिजाइन समथिंग लाइक 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। अब हम इसको इसकी मार्केटिंग और इसकी सारी एक्टिविटीज को लेंगे क्योंकि अब 100 रुपए पर मंथ में स्कूल को क्या देना है हमें वो हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। हमें स्कूल को टेक्नोलॉजी देनी है, ट्रेनर्स देने हैं बिकॉज स्कूल के पास में वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। सो यहाँ पर हम 100 रुपए पर मंथ के अंदर कॉन्टेंट दे रहे हैं, कॉन्टेंट के साथ हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर जो सब फीचर है वो मेजरमेंट है। Suppose, मैंने आपको जो है क्लास 8 का कंटेंट दिया इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, क्विजेस हैं, वो सारे के सारे चीजें हमने उसके अंदर बैठ कर दी। बच्चे ने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या नहीं करी, मदर को कैसे पता चलेगा? सो द मोमेंट ही टच अ वीडियो उसके बेसिस पे उसका परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। सो पहले आज आप सिर्फ इस बात को मॉनिटर करें कि अभी तक इस सब्जेक्ट के अंदर कितना परसेंटेज था, अब कितना परसेंटेज हो गया। सो सबसे पहला पार्ट आएगा कि वेदर वो वीडियो जो है वो खुला है या नहीं खुला, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर हुए या नहीं हुए, फिर उसके बाद वो क्विज अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो टेस्ट पर जाएगा। सो अक्रॉस ऑल डोमेन्स आपको एक मेजरमेंट पता चल रहा है लर्निंग के तौर पर। सो हियर वी आर नॉट फैसिलिटेटिंग द बेसिक अप्रोच ऑफ अ टीचर, वी आर फैसिलिटेटिंग। अगर ये टीचर सिर्फ इस बात को मेजर कर ले कि इसने ये वीडियो देखा या नहीं देखा, सो ABCD स्टैंडर्ड है वो ABCD, वो टीचर जो है सिर्फ उसको ये मेजरमेंट बता देना कि इसने ये वीडियो देखा नहीं देखा, सो दैट इसकी लर्निंग का कनेक्ट कैसे होगा। और देयर इज अ लर्निंग पिरामिड, वी ऑल आर अवेयर की लर्निंग पिरामिड किस तरह से चलता है, उसमें कितना पार्टिसिपेशन होता है, कितना एंगेजमेंट होता है, हर एक से वो लर्निंग के परसेंटेजेस हमारे बढ़ते जाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टेकन अप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर टू सपोर्ट दैट सेटअप। नाउ कमिंग टू द क्रिएटर पार्ट, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हम स्कूल के प्रिंसिपल को और टीचर को कुछ नहीं समझा पाए। सो वी रियलाइज देयर इज ए ऑरा ऑफ अ ट्रेनर, दैट ऑरा ऑफ अ ट्रेनर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। वो टीचर अपने आप को देखेगी, ट्रेनर को देखेगी, कंपेयर करेगी, उसके बाद से लर्निंग शुरू होगी वरना शुरू ही नहीं होगी। सो सिंस आई हैव स्टडीड इन मोस्ट ऑफ द मिशनरी स्कूल्स, तो बचपन से हम लोग क्या था कि कैंटोनमेंट के आसपास ही रहते थे, समा पता चलता था कुछ कुछ टाइम के लिए वो ब्रिगेडियर और मेजर और उनकी वाइफ आते थे स्कूल में टीचर मिलके, उनको बाकी सारे टीचर देख कर तो पता चलता था कि हर सीजन में एक ड्रेसिंग स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया स्कूल के अंदर। सो वी लाइक हाउ इज दैट हैपनिंग। अब वो छोटा बच्चा जो उस स्कूल के साथ कनेक्ट हो रहा था और वो टीचर और वो ब्रिगेडियर या मेजर की वाइफ, ये पूरा का पूरा जितना भी वो था वहां से लर्निंग आपस में हो रही थी, एंड दोस लर्निंग्स वर हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। वो टीचर उस दूसरी टीचर को जो अलग बैकग्राउंड से है उसको देखकर उसने अपना ड्रेसिंग चेंज करना शुरू कर दिया, और वहां से वो फैन फॉलोइंग हमें समझ में आया। जब उस टीचर ने अपना वो ड्रेसिंग और वो सब कुछ चेंज करा, तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ तो वहां पर जब बच्चे की मदर ने वहां पर एंट्री करी, तो बच्चे की मदर ने उस चेंज को ऑब्जर्व कर लिया, वो चेंज जो है फैमिली में चला गया। अब बच्चे ने इस बात को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते थे कि बच्चे ये बताते थे कि मम्मी आप क्या पहनकर स्कूल में जाओ सो दैट आई शुड नॉट फील बैड। हमने ये केसेस भी ऑब्जर्व करे विद इन द फैमिली, या जैसे बच्चों की मदर जो है बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ कर बाथरूम स्लीपर्स पहने चले गए। कुछ बच्चों ने इस बात को दे मेड इट श्योर कि मदर जो है वो बाथरूम स्लीपर में बस तक ना जाए, बिकॉज वहां पे बहुत सारी मैम भी आती है बस में और बाकी सारे बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं। सो इसका मतलब कि लर्निंग जो है वो इस क्रिएटर पे डिपेंडेंट है, हम वो क्रिएटर कैसे चेंज करें। सो वी रियलाइज कि हमें क्रिएटर चेंज करना, तो हम एक इमेज कंसल्टेंट को स्कूल से बैप कर देते हैं, और वो इमेज कंसल्टेंट जो है वो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कंपैरिजन अपने आप चेंज लाना शुरू कर देता है, एंड देयर इज द बॉटम ऑफ द फॉर्च्यून, पिरामिड का बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है उसी के अंदर वो फॉर्च्यून है सारा का सारा। अगर हम एक बार एक कंसल्टिंग मैकेनिज्म में एक चेंज सजेस्ट कर दें और उस चेंज से सारा का सारा एक्टिविटी मैप हो जाएगा, तो वो सबके लिए काम आएगा। यहाँ पर हमने ट्रेनिंग्स डिफाइन करे
image consulting, soft skills. Image soft skills, then voice and accent, and curriculum management. Curriculum management में हमने बहुत सारी चीजें की. आप ऐसे maths background में कौन कौन है? Maths. आप इंजीनियर. So maths background के तौर पर. Okay. Maths में हम छोटा सा एक चीज. Maths में एक चीज होती है plus. इसका opposite क्या होता है? प्लस का कंटिन्यूअस पैटर्न जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका ऑपोजिट क्या होता है? अभी तक मैथ्स किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, विद द इंजीनियर एंड विदाउट इंजीनियर. ओके, इसका कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है? एक्सीलेंट. हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत मन से मैथ्स पढ़े. इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन. पर इसका ऑपोजिट क्या होता है? ठीक है, इसमें तो कहीं कोई चीज ये थोड़ा बहुत इसका फर्क हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द अदर पीपल, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द मैथ्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. बट हम प्लस से इंटीग्रेट कर रहे हैं. That's the fundamental theory. अब मैं यहाँ पे प्लस क्या कर रहा हूँ? मैं अगर साउंड को प्लस कर रहा हूँ और साउंड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ या डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सो मेरे पास या तो म्यूजिक आता है या नॉइज आती है. ठीक है, मैं अगर सेल को इंटीग्रेट कर रहा हूँ सो मेरे पास या तो टिश्यू आएगा या ऑर्गन आएगा या सिस्टम आएगा या बॉडी आएगी या फिर इसका ऑपोजिट ट्यूमर आएगा, कैंसर आएगा. ऐसे करके वो चीजें बन जाएंगी अक्रॉस ऑल प्रोसेस. दिस इज माय स्टैंडर्ड बेंच. सो यूजिंग दीज एट एक्टिविटी डोमेन्स आई कैन टीच एनी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. और हम इसी बेसिस पे इस पूरी डोमेन को हम कहते हैं करिकुलम मैनेजमेंट का डोमेन, जो हम यहाँ पर हम कवर करने की बात करते हैं. सो हम टीचर को कह रहे हैं कि सबसे पहले इमेज एक्टिविटी उस पार्ट को समझ लो. Once you are thorough with the entire image, और आपके उसमें कहीं कोई चीज नहीं आ रही, थोड़ा सा हम कॉन्टेंट पे काम कर लेते हैं. कॉन्टेंट इज जस्ट टू सेकेंड्स जॉब. मैं आपके किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एक्टिविटी को पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के तौर पे, अब अगर ये वाला पार्ट पूरा लेकर चलूँ तो दैट मीन्स मैंने अभी बात करते करते 9th, 10th, 11th, 12th का मैथ्स भी खत्म कर दिया. पूरा मैथ्स में इसके अलावा कोई और चीज नहीं है. 5th तक इतना पार्ट आता है, 8th, 9th तक इतना पार्ट आता है, उसके बाद का जो टाइम 11th, 12th इज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. उसके अलावा कुछ नहीं. सो हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर पूरा मैथ्स खत्म कर दिया. जब मैं मैथ्स खत्म कर रहा हूँ सो मैं इसी बेसिस पे फिजिक्स भी खत्म कर सकता हूँ, इसी बेसिस पे केमिस्ट्री, इसी बेसिस पे बायोलॉजी, एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड ऑन दिस सिंगल शीट बेस. दिस इज व्हाट वी कवर अंडर द करिकुलम मैनेजमेंट. माय पॉइंट इज अगर हमारी ये सारी की सारी चीजें एक बार ऑर्गेनाइज होती हैं, so there is a business which is there. अब वो business क्या है हम उसके तौर पे बात करते हैं. ठीक है, हमने realize करा कि जो trainer है उसको पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है? individual से, corporate से, group से, politician से, CSR, ISR, इसके अलावा कोई और जगह जहां से पैसा आता हो? हाउ बिग इज द ट्रेनिंग इंडस्ट्री? ₹2,000 crores. अगर इस 2,000 crore की इंडस्ट्री में मैं स्किल और एजुकेशन इन दोनों को जोड़ दूं प्लस ये आपका CSR को जोड़ दूं सो ये 1,00,000 crore का इंडस्ट्री है. Put together UNESCO only, यानी किसी और चीज की नहीं. UNESCO ने अभी अपना बजट डिक्लेयर करा था लास्ट ईयर, 95,000 crores they are ready to invest in Asia and Africa for to teach 20 crore children only.
1 लाख करोड़ का सीएसआर आ रहा है, वो सीएसआर कहाँ पर खर्च हो रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है, उसकी कौन से वो सीएसआर के, विच इज द सीएसआर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एनी वाइल्ड गेसेस? कहाँ से वो स्प्रेड हो रहा है, विच इज द हेडक्वार्टर फॉर सीएसआर? Hyderabad is CSR capital of the world. Spend is happening the most. No, in sab logon ne milke, top 5 organizations, which includes aapka Google, Microsoft, Facebook, Amazon, aur kaun sa bach gaya, ye 5-6 jo main jo hai, jinka sabse bada spend baitha hai out of the top 50, un sab ne milkar apne ko ek platform form kara, and that is called internet.org, jiska headquarter Hyderabad. जहां पर कि इन सब कॉर्पोरेट्स के उस लेवल का एंड दी परसेंटेज इज फिक्स्ड, इंटरनेशनल इट इज ओनली 2% जिसके ऊपर बात हो रही है, 2% ऑफ द वैल्यू व्हिच इज गिवन टू सीएसआर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज, ये रहा हैदराबाद, ये रहा मुंबई, ये हम पुणे के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट, बट प्रोजेक्ट्स हैव टू बी देयर, दोस प्रोजेक्ट्स जहां से कि ये बड़ा चंक कन्वर्ट हो जाए. और बड़े चंक के लिए हम में से कोई भी इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है. हमें छोड़िए, आप टाटा, इंफोसिस, विप्रो, इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लें, ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अपना काम छोड़ के सीएसआर के फंड के लिए थोड़े जाएंगे. ये ट्रेनर्स हैं, और ट्रेनर्स कितने हैं हमारे देश में? हाउ मेनी वी रिक्वायर एंड हाउ मेनी आर अवेलेबल? ओके, अगेन कोई दिक्कत नहीं, मेरा सब्जेक्ट है तो मैं पढ़ कर ही आया हूँ. naukri.com की साइट पर जाइए, वहां पर फ्रीलांस ट्रेनर लिखिए, वहां पर 1,22,000 रिज्यूमे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे. मुझे नहीं पता कितने जेन्युइन, कितने फेक, कितनी मल्टीपल आइडेंटिटी, दे टॉक अबाउट 1,22,000 रिज्यूमेस देयर एज अ फ्रीलांस ट्रेनर. नाउ फॉर दोस फ्रीलांस ट्रेनर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ने अभी अपने आप को अंडर स्किल इंडिया के तौर पर उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है दैट उनको 1 करोड़ लोग ट्रेंड चाहिए, जो कि अगले डेकेड के लिए 10 करोड़ का नंबर है. 10 करोड़ लोगों को ट्रेन, मतलब एक आदमी एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को ट्रेन कर सकता है? 100. अगर मैं आज आपको फ्री हैंड दूं, अच्छा ठीक है, इस बच्चे की किस्मत आप ही लिखिए, तो आप एक साल में 100 बच्चे ले लोगे. बट मोर देन दैट, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के तौर पर कहीं भी कर सकते हो, कितने कितने इंडिविजुअल्स के बाद आप एक दिन का सेशन से थोड़ी किसी को पूरा कंप्लीट ट्रेन कर सकते हो. उसके लिए हैंड होल्डिंग होगी, हैंड होल्डिंग जो है, लेट्स से 1/3 ऑफ द डे यू चार्ज फॉर, अगर पूरे साल भर के हिसाब से आप कनेक्ट करें तो वो नहीं बैठेगा. तो वहां पर ये सारे लोगों को जब आप इकट्ठा करके डालते हैं, तो वहाँ 1:100 का रेशो हम देते हैं. 1:100 का रेशो का मतलब अगर हम 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कम से कम 10 लाख ट्रेनर होने चाहिए. जबकि naukri.com जैसी जगह पर भी फ्रीलांस ट्रेनर 1,22,000 ही है हमारे पास. स्किल इंडिया में टोटल रजिस्ट्रेशन अभी तक 35,000 ट्रेनर का हुआ है, और वो मेजोरिटी फर्जी नंबर है. ट्रेनर लोग कितने परसेंट एग्जिस्ट करते हैं, आई डोंट थिंक हैव दैट ऑथेंटिसिटी, बट यस देयर आर इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग इन दैट डोमेन. बट व्हाई एवरीबॉडी इज ड्राइविंग फॉर स्किल इंडिया इज बिकॉज़ वो मैंडेट है. अगर हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो हम इससे आगे नहीं जा सकते. फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, अमेज़न, ऐसे करके आप टॉप 10-15, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे करके टॉप ऑर्गेनाइजेशंस को टच कर लीजिए, सबसे आप एक ही जगह पर पहुंचेंगे. अगर देश ने दुनिया के बाकी लिटरेसी और एजुकेशन के आंकड़े नहीं बढ़े, तो उनका बिजनेस स्टैग्नेंट मोड पर आ चुका है, उसके आगे नहीं पहुंच पा रहे. सो वो भी टेक्नोलॉजी पार्ट को लेकर चल रहे हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी और बढ़ा दो ताकि ये सब ट्रैक हो सके, बट नहीं हो रहा है. हमारे अपने देश के अंदर 120 करोड़ के तौर पर आबादी में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 80 करोड़ लोग मोबाइल रखते हैं, 40 करोड़ अभी भी हमारे लिए डार्क एरिया में. वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर कि इतने साल से इतने नंबर, इतने सस्ता डेटा, सब कुछ करने के बावजूद वो क्यों, किसी भी व्यक्ति को एक स्मार्टफोन लेने की क्यों जरूरत है अगर उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता. सो वो जो लिखने पढ़ने के नंबर है, अब टॉप कॉर्पोरेट्स उसको ड्राइव करना शुरू हो. यस वी वॉन्ट समथिंग एक्चुअली हैपनिंग लाइक जापान, जहां पर कि लिटरेट का मतलब 10वीं पास होता है, 10वीं फेल भी नहीं होता. तो अब मार्केट इस चीज के लिए कंड्यूसिव हो गया. अब सब लोग एजुकेशन की बात करेंगे, और आप सब लोग देख भी रहे हैं, आपके हर डोमेन में आपको जो है एजुकेशन और स्किल की बात करते हुए सब जगह दिख रहा है. अब एजुकेशन और स्किल के लिए हमारे को यही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्रिएटर, तीन ही चीजों के तौर पर चाहिए. आप कितना
ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सपना देख सकते हैं, मुझे वो बताइए कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं स्केलेबल होता, वो सब मेरे पास है। आप कोई एक चीज बोलिए जिसके तौर पे कि हाँ ये वाली चीज होती तो TMIT इज फन, TMIT इन्वॉल्व्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बट फाइनली उसके लिए भी एक आपको काउंसलर चाहिए। अगर अच्छा काउंसलर नहीं है तो उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलिए आपको मोबाइल ऐप चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मोबाइल ऐप होनी चाहिए, दैट आई प्रोवाइड। आपको पोर्टल डोमेन चाहिए जहां पर कि आप अपने पूरे कंटेंट ट्रेनिंग, आप खुद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना पूरा सिलेबस वर्चुअल डोमेन में जानना चाहते हैं, इसको ऑनलाइन सब लोग सब्सक्राइब करें, जो भी सब्सक्राइब करें उसके वो 100, 200, 500 जितना भी वैल्यू आप उसको डिफाइन करते हैं वो उतनी वैल्यू वहां पर पे करें और वो वैल्यू आपके अकाउंट में आ जाए, ये आप उसको सोचते हैं अपने उसमें, ये सुनो दैट विल प्रोवाइड यू। और बताइए अब क्या चीज और आपको चाहिए, एक अमेजन जैसा मैं लेवल का पूरा आपको पोर्टल डिजाइन करके दे देता हूँ एंड उसमें कंप्लीट आपके यूजर नेम पासवर्ड, आपका एक एक मेजर्ड रिपोर्ट होगा। जैसे मैंने बात करी कि हम लोग मेजरमेंट्स के तौर पे बात कर रहे हैं, मेजरमेंट्स में आपने क्या करा, आपने अपना एक इमेज कंसल्टिंग के तौर पे एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को आपने बोला कि ये सब लोग इस वीडियो को देखें, व्हाट इज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, सब लोगों ने उस वीडियो को देखा, वीडियो देखने के बाद किसने देखा किसने नहीं देखा किसने कितना देखा प्लग प्लॉज प्ले स्किप कर करके देखा, ये रिपोर्ट आपको चाहिए। पता होगी अगर आपको कि मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक स्कूल के अंदर जहां पर कि 100 टीचर्स हैं और 1000 बच्चे हैं, वहां पर अगर मैं आपको एक वीडियो वो सब लोगों को देखने के लिए आप मान लो सबको कंपल्सन भी कर दिया आपने, सो वो वीडियो देखी या नहीं देखी ये आपको पता चलना चाहिए ना, सो वो मेजर्ड रिपोर्ट हम आपको दे देंगे। उसमें आप क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हुआ है नहीं हुआ, वो सही है या गलत है, हम आपको वो भी दे सकते हैं। सो आप ड्रीम करो कि मेरे पास किस किस लेवल का रिपोर्ट होना चाहिए, तो मैं आपको वो रिपोर्ट का पेस्ट दे सकता हूँ। आप रियल टाइम बोलो तो मैं रियल टाइम की रिपोर्ट दे सकता हूँ, जैसे आप ओला को और बाकी सबको रियल टाइम देखते हैं ना अपने मोबाइल फोन पे, ऐसे किस किस ने उस पूरे पार्ट ऑफ टाइम पर उसको एक्सेप्टली कर सकते हैं। Why we can do this? Because हमारा जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है अच्छे कंपनी को क्लासेल, क्लासेल में हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्लासेल के जो ओनर है वो है डॉक्टर वैद्यनाथन। डॉक्टर वैद्यनाथन इज अ पास आउट फ्रॉम IIT चेन्नई, MIT से फेलो करा उन्होंने, एंड ही वाज लास्ट चीफ आर्किटेक्ट विद कॉग्निसेंट इंटरनेशनल, और MIT का साइंटिस्ट है तो मतलब उसके लिए उनकी कॉम्पिटेंसी उसकी है। दूसरा उनका जो काम था वो था ही वाज कंसल्टिंग टू ईबे का, उन्होंने पूरा ट्रांजिशन मैनेज करा, ट्रांजिशन इज जस्ट लाइक एक उड़ते हुए हवाई जहाज का आपको इंजन चेंज करना है, सो इस लेवल की कॉम्पिटेंसी उसके लिए चाहिए। Also designed one of the activities in terms of Florida Stock Exchange. So all that he has performed. I think it's better.